हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई लाइफस्टाइल। आज बनाते हैं वैलेंटाइन स्पेशल एक ग्लेस शुगर फ्री केक। नो मैदा, नो बटर, नो ऑयल, नो वाइट शुगर, एकदम सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनाते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ पर 2/3 कप गुड़ लेना है। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर 3/4 कप से 1 कप भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुड़ के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे। गुड़ को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक मिक्स करते जाएंगे। गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है तो गैस को कर देंगे बंद और इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अब आगे एक छन्नी के अंदर 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, साथ ही में 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा डालेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके छन्नी से छान लेंगे। आटे को छानने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब गुड़ का पानी ठंडा हो चुका है तो उसे भी एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। इसे छानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में डालेंगे 1/4 कप घी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और 1/2 कप वार्म मिल्क डालेंगे और इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। विस्क करने के बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी धीरे धीरे विस्क करते जाएंगे। इसमें कोई भी लंप नहीं रखना है, अच्छे से विस्क करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर भी से मिक्स नहीं करना है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो चुकी है। केक के बैटर को एक नॉनस्टिक के पैन में डाल देंगे, जिसे मैंने पहले से ही पार्चमेंट पेपर के साथ रेडी रखा है, और उसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। अब ऊपर से कटे हुए बादाम डालेंगे। ओवन को मैंने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट कर लिया है, तो केक को 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पर केक हमारी परफेक्टली बेक हो चुकी है तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर केक ठंडी हो चुकी है तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली केक हमारी बेक होकर रेडी हो चुकी है। केक की नीचे की प्लेट को निकाल देते हैं और यहाँ पर मैं आपको केक को कट करके भी दिखाती हूँ। एकदम आसानी से कट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि केक एकदम सॉफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं कि केक एकदम जालीदार बनके तैयार हुई है। एकदम सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो आप भी ये हेल्दी केक इस वैलेंटाइन पर अपने लव वंस के लिए जरूर से बनाएं और अपने व्यूज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।